नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई के बारे में। दुबई संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। ये फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। दुबई नगर पालिका को अमीरात से अलग बताने के लिए कभी कभी दुबई राज्य बुलाया जाता है। दुबई मध्य पूर्व के एक वैश्विक नगर तथा व्यापार केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। दुबई में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई ट्री, दुबई फाउंटेन, बर दुबई, दुबई संग्रहालय, मिरेकल गार्डन, बोल्सू, ग्लोबल विलेज, बॉलीवुड पार्क, दुबई शेख जायद रोड, रसल फोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुर्ज अल अरब, दुबई फ्रेम, वाइल्ड वादी पार्क, डेजर्ट सफारी और भी बहुत सारी जगह है। लिखित दस्तावेजों में इस शहर का अस्तित्व संयुक्त अरब अमीरात के गठन से 150 साल पहले होने का जिक्र है। दुबई ने कई अभिनव बड़ी निर्माण परियोजनाओं और खेल आयोजनों के माध्यम से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। सबका ध्यान आकर्षित होने के साथ ही एक वैश्विक शहर और व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की वजह से दुबई में श्रम और मानव अधिकारों से जुड़े कर्मचारियों, मुख्यतः दक्षिण एशियाई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे प्रकाश में आए हैं। दुबई की जलवायु गर्म और शुष्क है। दुबई में गर्मियां बेहद गर्म, तूफानी और शुष्क होती है और औसत उच्च लगभग 40 सेल्सियस और रात भर निम्न लगभग 30 सेल्सियस होता है। साल भर गर्म दिनों की उम्मीद की जा सकती है। सर्दियां गर्म और छोटी होती है और औसत उच्च 30 सेल्सियस और रात भर निम्न 14 सेल्सियस होता है। वर्षा पिछले कुछ दशकों में बढ़ रही है और संचित वर्षा प्रति वर्ष 150 मिमी है। यह इस क्षेत्र की शुष्कता को प्रभावित नहीं करता है, यद्यपि इससे रेगिस्तानी झाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है। दुबई की अर्थव्यवस्था 2022 तक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 46,665 अमेरिकी डॉलर का प्रतिनिधित्व करती है। विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी ने घोषणा की कि 10 वर्षों में यूएई का गैर तेल व्यापार कुल 16.14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यूएई की जीडीपी 2021 में 407 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 में 440 अरब डॉलर और अगले साल 467 अरब डॉलर हो गई। इसी तरह प्रति व्यक्ति जीडीपी भी पिछले साल 43,868 डॉलर से बढ़कर इस साल 46,665 डॉलर और 2023 में 48,822 डॉलर हो जाएगी। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह का निर्माण 1970 के दशक में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह है और यह कंटेनर यातायात की मात्रा के इसके समर्थन के लिए दुनिया भर में 8वें स्थान पर था। उद्योग की स्थापना के लिए शहर भर में विशेष मुख्य क्षेत्रों के साथ दुबई साथ ही आईटी और सेवा उद्योग जैसे उद्योगों के एक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। अमीरात एयरलाइन दुबई की राष्ट्रीय विमान सेवा है और 6 महाद्वीपों के 61 देशों में 101 स्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमीरात एयरलाइन का केंद्र दुबई और देश के अन्य अमीरात को सेवा प्रदान करता है। 2008 में हवाई अड्डे को 3.7 करोड़ यात्रियों ने उपयोग किया और 1.8 मिलियन टन से अधिक माल को संभाला। 2008 में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का 20वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था और 35 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ दुनिया का 6ठा व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2007 से माल यातायात में 9.4% की वृद्धि रही। दुबई में सार्वजनिक बस परिवहन प्रणाली सड़क और परिवहन प्राधिकरण आरटीए द्वारा चलाई जाती है।